2022 के चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होनी, जिसको लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन लगातार इस ओर जो है तैयारियां कर रहा है। आप हमें पीछे देख सकते हैं किस प्रकार के यहां पे जो अधिकारी हैं जो ट्रेनिंग में लगाए जाएंगे, जो मतगणना करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं साफ तरीके से यहां पे जिला प्रशासन की ओर से ये फिरोज गांधी कॉलेज में ट्रेनिंग चल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली ADM प्रशासन अमित कुमार, इनसे हम जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएँ सर 10 मार्च को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार प्रशासन सतर्क है। रायबरेली जनपद की समस्त 6 विधानसभाओं की जो काउंटिंग 10 मार्च को सुबह 8 बजे से हमारे ITI गोरा बाजार में की जाएगी, समस्त विधानसभाओं के लिए हम लोगों ने अलग अलग काउंटिंग हाउस तय कर रखे हैं जो उनके स्ट्रांग रूम से सीधे जुड़ते हैं। स्ट्रांग रूम से जुड़ने के उपरांत हम लोगों ने अपने काउंटिंग पर्सनल्स की 14 टेबल्स पर नियुक्ति कर दी है। साथ ही साथ पोस्टल बैलेट के लिए भी आवश्यकता अनुरूप 2 से लेकर के 4 तक जो है टेबल्स को लगाया गया है प्रत्येक विधानसभा में, और इन पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। आज उसी संबंध में इन अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे हम लोग कुशल और जो है निष्पक्ष काउंटिंग की कार्रवाई कर सकें। अधिकारियों को कोई दिक्कतें हो रही होंगी क्योंकि ट्रेनिंग के समय कई दिक्कतें होती है, किस प्रकार उसे निजात दिला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है इस विधानसभा चुनाव में जो काउंटिंग होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कैसे इस? यद्यपि EVM से जो काउंटिंग होती है वो बहुत ही आसान है, परंतु ऐसे कई कन्फ्यूजन्स होते हैं जिसके बारे में कर्मचारियों को बताया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, और प्रशिक्षण के द्वारा उनके इस प्रकार के जितने भी संशय हैं संदेह हैं उनको हम लोग क्वेश्चनेयर के बाद और PPT के थ्रू दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत उस दिन ना। ट्रेनिंग में लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पे मौजूद होंगे और कितने जो? हर टेबल के हिसाब से हमारे 4 कर्मचारी हैं और 6 विधानसभाओं में लगभग 100 हमारी टेबल्स लग रही हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास 500 के आसपास में काउंटिंग जो स्टाफ हैं आज यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी इसमें ETPBS और PBS मतलब पोस्टल बैलेट वाले अलग से हैं, उनको अभी हम लोग और ट्रेनिंग देंगे। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए ADM प्रशासन अमित कुमार थे, जिन्होंने बताया कि 500 कर्मचारी आज जो है यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और 10 मार्च की काउंटिंग के लेकर के तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही, तो कहीं ना कहीं काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन निष्पक्ष रूप से काउंटिंग कराने को लेकर के सतर्क दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, RXPRESS रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।